वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सिक्स्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ हम लोग बात करने वाले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत जगह होता है। और पिछले हम लोग जो एप्लीकेशन बात किए हुए हैं, जितना अभी तक जितना बात किए हुए हैं सारे लॉ का, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारे डेली लाइफ में होता है ये, हम देख नहीं पाते। अब यहाँ आप इस वर्ड से नहीं डरिएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि ऐसा एक चीज़ आप पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। वहाँ जैसे होता था केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वहाँ वो क्या बोलता था कि मास जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, वो ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही क्रिएट हो सकता है, कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेम है। अगले चैप्टर में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे, वो भी वैसा ही है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमारा क्या मतलब है, तो पहले तो ये मतलब है कि मोमेंटम किसी बॉडी का कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब मोमेंटम किसी बॉडी का कांस्टेंट रहेगा ही, क्योंकि मास और वेलोसिटी है। अभी हम लोग एक खास बॉडी का नहीं, दो बॉडी का बात करेंगे। ठीक है, कोई दो बॉडी है, एक मान लीजिए ए है और एक बी है, उस दो बॉडी का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि बॉडी का मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रह सकता है उस सिस्टम का। ठीक है, तो जब भी कोई दो चीज़ होता है उसका मोमेंटम फिक्स रहता है। जैसे मैं बात करूँ बुलेट की, अब बुलेट और गन में से जो बुलेट निकलता है फायर होता है, तो उस गन और बुलेट ये दो अलग अलग चीज़ है, इसमें से बुलेट फायर होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनका मोमेंटम गन का और बुलेट का, ठीक है, फायरिंग से पहले, ठीक है, गन का और बुलेट का मोमेंटम फायरिंग से पहले, मोमेंटम तो आप समझते हैं ना, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं सेकेंड लॉ, जिसमें मैंने अच्छे से बताया मोमेंटम क्या होता है, क्यों है। इसलिए जब ये फायर हो जाएगा तो कंजर्वेशन मोमेंटम का कहना है कि बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम होगा दोनों का और आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम होगा दोनों का वो सेम है। इसको और इजीली हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कभी भी बात करेंगे तो दो चीज़ों की या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करेंगे, तो वहाँ एक टर्म आता है सिस्टम। ठीक है, तो व्हाट इज सिस्टम, तो सिस्टम सिंपली मीन, सिस्टम का सिंपली मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, किसी चीज़ का ग्रुप, ग्रुप ऑफ पार्टिकल हो सकता है, यहाँ पे पार्टिकल कहने का मतलब बॉडी है। ठीक है, दो तीन बॉडी है, जैसे यहाँ पे ये बुलेट और ये गन, ये दोनों कहलाया सिस्टम, ये अलग एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, तो ये दो पार्टिकल का सिस्टम है। कितने पार्टिकल का सिस्टम है, दो पार्टिकल का सिस्टम। पे क्यों बात करें, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ फोर्स पे। अब फोर्स पे क्यों बात करने वाले, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोमेंटम चेंज होने का कहीं ना कहीं मोमेंटम किसे बना रहता है, मास और वेलोसिटी से। मोमेंटम चेंज करने का मतलब है वेलोसिटी को चेंज करना। ठीक है, मोमेंटम चेंज करने का मतलब है वेलोसिटी को चेंज करना, पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। और वेलोसिटी कब चेंज होगा, यानी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। तो अगर कोई सिस्टम है, मान लीजिए उस सिस्टम में इसको मान लेते हैं ए, या गन है तो जी, और इसको मान लेते हैं बी। अब अगर जी किसी फोर्स लगा रहा है, जी फोर्स लगा रहा है बी पे यानी बुलेट पे, या बुलेट फोर्स लगा रहा है गन पे, ठीक है, तो ये दोनों फोर्स इंटरनल है इस सिस्टम के बात है, ये दोनों किसका बात है, इस सिस्टम का, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का बात है। तो या तो गन बुलेट पे फोर्स लगा रहा है या बुलेट गन पे फोर्स लगा रहा है, ये दोनों जो फोर्स लगाएगा ये इंटरनल फोर्स है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ ये थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है कि अगर गन बुलेट पे फोर्स लगाता है ना, इधर से जहाँ स्ट्राइकर दाबा जाता है तो यहाँ से एक फोर्स निकलता है, स्प्रिंग रहता है, वो फोर्स इसको बाहर करता है। तो थर्ड लॉ के हिसाब से जो बुलेट है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल, तो वो जो फोर्स है वो एक दूसरे पर लगा रहा है, ये है इंटरनल फोर्स। अगर कहीं बाहर से इस पर फोर्स लगता है, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स लगाता है बुलेट पे या गन पे, तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल फोर्स। तो एनी अदर, ठीक है, कोई अदर पार्टिकल जो हो सिस्टम से बाहर का पार्टिकल, आउटसाइड द सिस्टम, जो सिस्टम के बाहर का हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल पार्टिकल। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल पार्टिकल। और उसके द्वारा अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। ये फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स का मतलब फोर्स बाय द सिस्टम, फोर्स उस सिस्टम के द्वारा, उस सिस्टम के पार्टिकल के द्वारा, बाय पार्टिकल ऑफ सिस्टम। ठीक है, एक पार्टिकल अगर दूसरे पर लगाए, या तीन पार्टिकल का है, चार पार्टिकल का है, कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर एक दूसरे पर लगाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटरनल फोर्स। लेकिन कोई दूसरा पार्टिकल जो उससे बाहर है वो फोर्स लगाए तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फोर्स। और किसी बॉडी पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक उसका मोमेंटम चेंज नहीं होता, यही कहना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स एंड फोर्स अप्लाइड बाय इट, और फोर्स जो ये अप्लाई करता है, अप्लाइड बाय इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। अब चलिए इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स तो समझिए, अब इसका कहने का क्या मतलब है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिंपली एक स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जो मोमेंटम है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ठीक है, और मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, मोमेंटम किसी बॉडी का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यही तो कंजर्वेशन का क्या मतलब है, कांस्टेंट रहता है। कंजर्वेशन किस चीज़ का, मोमेंटम का। ठीक है, तो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेंस कांस्टेंट
अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट नहीं करता। अगर इंटरनल फोर्स लगेगा भी तो उसके मोमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब इसका क्या हमको जरूरत है, ठीक है, इससे क्या होगा? तो पहले इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा किसी बॉडी का, जैसे यहाँ पे पहले फायरिंग के पहले का मोमेंटम और फायरिंग के बाद का मोमेंटम, दोनों में तो बदलाव नहीं ना आएगा, क्योंकि फायरिंग होने के बाद भी ये जो गन है ये बुलेट पे फोर्स लगाता है और बुलेट जो है वो गन पे फोर्स लगाता है, तो ये दोनों तो इंटरनल फोर्स हुए। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कंजर्व या कॉन्स्टेंट है, इसका क्या मतलब है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ठीक है, या ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू इट्स फाइनल मोमेंटम, वो किसके बराबर होगा? उसके फाइनल मोमेंटम। इसको और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, इससे एक और बात बोल सकते हैं कि इंटरनल फोर्स जो होता है, ठीक है, वो इंटरनल फोर्स नहीं चेंज कर सकता है क्या? मोमेंटम। इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ओके, हम लोग एज्यूम करते हैं कि दो हॉकी प्लेयर है, आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल है, ठीक है, और इस पर एक क्वेश्चन है, दो हॉकी प्लेयर है और दोनों हॉकी प्लेयर कुछ कुछ स्पीड, दोनों के पास कुछ मास होगा, मोमेंटम की बात हो रहा है तो मास और वेलोसिटी की बात होगा, तो दोनों के पास कुछ मास है और कुछ वेलोसिटी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, आपको फिगर भी दिख रहा होगा, दौड़ते हुए आ रहे हैं जब, तो दोनों एक दूसरे से टकराए और इंटेंगल्ड हो गए, मतलब एक दूसरे में ट्विस्ट हो गए, फंस गए, तो उससे क्या होगा कि देखेंगे आप जिस डायरेक्शन में आ रहे थे उससे अपोजिट और गिर जाएंगे वो, ठीक है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो फर्स्ट प्लेयर था वो सेकंड प्लेयर पर लगाया फोर्स और सेकंड प्लेयर फर्स्ट पर, पर इससे उनका मोमेंटम नहीं चेंज हुआ, पहले जो मोमेंटम था वही बाद में भी होगा। अब ये कैसे होगा? तो इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं, और मैथमेटिकली अक्सर भारी लगता है पर ये लगने का जरूरत है नहीं आपको, और ही बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल में जैसे आपको एक एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, टेस्ट ट्यूब आप जानते ही होंगे, टेस्ट ट्यूब में रबड़ का कॉर्क लगा देना है, क्या कर देना है? रबड़ का कॉर्क, और इस रबड़ का जो कॉर्क है इसको इसमें पानी दे के और रबड़ के कॉर्क को हीट कर देना है, ठीक है, थोड़ा देर हीट करना, अब देखेंगे कि ये भाप होगा धीरे धीरे, जो ये है क्या कॉर्क, ये कॉर्क जो है, कॉर्क सिंपली में एक कवर होता है इसके ऊपर लगाया जाता है, वो कॉर्क इधर भागेगा और टेस्ट ट्यूब इधर, ठीक है, तो अब देखेंगे कि दोनों शुरू में रेस्ट में था और बाद में क्या हो गया, दोनों मोशन में आ गया, यानी दोनों का मोमेंटम आपको लगेगा चेंज है पर नहीं, दोनों का पहले वाला और बाद वाला दोनों को प्लस करेंगे तो आप सेम ही रहेगा, मोमेंटम नहीं चेंज होगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि एक बलून लेना है और उस बलून में बलून को एक दो सपोर्ट से बांध देना, एक थ्रेड है, थ्रेड पे एक पाइप जैसा होता है जो जिसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, वो पाइप यहाँ पे लगा देना है, उस पाइप पे आपको एक बलून चिपका देना है और बलून फूला हुआ है, इन्फ्लेटेड है और उस बलून में एक धागा बंधा हुआ है, ठीक है, ये आपको फिगर भी दिख रहा होगा। तो अब जब इस धागे को मान लीजिए हम खोल दिए, धागे को खोल देंगे तो ये बलून जो है वो इधर की तरफ भागेगा और हवा किधर जाएगा? इधर। अब ये इधर जाएगा कैसे? तो ये जो इसका ये पाइप लगा हुआ है, ये पाइप इसको ले जाएगा इधर, पाइप एकदम हल्का वाला होगा, ऐसा नहीं कि मोटा मोटा पाइप होगा, वो जिसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो वाला हल्का वाला पाइप, तो ये इधर जाएगा और हवा इधर जाएगा। तो अब फिर से जो मोमेंटम था, चूंकि एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग रहा तो इसका मोमेंटम सेम होगा। इसको मैथमेटिकली और अच्छे से समझते हैं, और मैथमेटिकली इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ सब लगने वाले, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, दोनों बॉडी किस में मूव कर रहे हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट फेज में बात करते हैं। चलिए अब हम प्रूफ करने वाले, हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं। अब देखिए कोई भी जो प्रिंसिपल होता है, लॉ होता है, उसका कभी भी प्रूफ नहीं आता, वेरिफिकेशन आता है, तो हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं, वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग वेरीफाई करने वाले, प्रूफ नहीं होता, अगेन ठीक है, प्रूफ नहीं होता है, डिसप्रूफ होता है, मतलब कोई भी ऐसा चीज जहां आ जाए कि इस लॉ को गलती कर दे तो वो हो जा सकता है, लेकिन प्रूफ नहीं होता है कोई लॉ, वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसको वेरीफाई करने वाले। अगेन इसमें वेरिफिकेशन के लिए कम से कम कितना बॉडी का जरूरत होगा? दो का, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले सकते हैं। तो हम लोग दो बॉडी लेते हैं, और फिजिक्स है तो मैं आदमी वगैरह नहीं बनाने वाला हूँ, दो मान लेते हैं, दो बॉडी है, ये बॉडी है वन फर्स्ट, इसका मास है m1, ले लेते हैं, इजी है m1, ठीक है, और एक और है मास, एक और बॉडी है, इसका मास है m2, इक्वल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ये तो बाद में देखेंगे, ये सेकेंड बॉडी है मान लीजिए, इसका मास है m2, दोनों इधर कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, तो टू बॉडी फर्स्ट एंड सेकेंड आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों बॉडी क्या कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन, मैं इसको लिख भी दूंगा, सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम दोनों को टकराने वाले हैं, ठीक है, दोनों को टकराने वाले हैं, तब ना हम लोग पता चलेगा मोमेंटम रहा कि नहीं, अगर एक साथ चल रहे तो फिक्स ही है, तो मोमेंटम जो है इसका तो सेम ही रहेगा, हम लोग इसको टकराने वाले हैं, देखने वाले हैं टकराने के बाद क्या इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है या बदलता है। तो ये दो हमारे पास सिस्टम है, दो बॉडी है, और इस दोनों का जो मास है, एक m1 है, एक m2 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है,
और इस दोनों को अगर टकराना है तो ऑफकोर्स यू टू जो होगा वो ज़्यादा होगा यू वन से, तभी ना ये सेट आके कोलाइड कर सकता है, टकरा सकता है, नहीं तो टकराएगा ही नहीं। ये अगर यू टू बहुत फास्ट हुआ, यू वन स्लो हुआ, तो ये तो बहुत आगे निकल जाएगा, ये पीछे ही आ जाएगा। अगर इसको इससे टकराना है मतलब यू वन को फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सपोज करें कि यू वन जो है वो ग्रेटर है यू टू से, ठीक है। तो ये एक इंस्टेंस आएगा आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद। उस टाइम के बाद क्या होगा, ये बॉडी दोनों टकरा जाएगा, ऑफकोर्स टकराएगा कि नहीं, हाँ टकराएगा। ये जो M1 है, अब टकराने से हम लोग ऐसा टकराने का बात करें जैसे जिसमें मास का कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, जैसा अब था वैसा ही मास है, दोनों टकराया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये टकराने पे इस पे फोर्स लगाएगा, ये टकराने पे इस पे फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है, दोनों फोर्स क्या होने वाला है, इक्वल। तो ये इधर फोर्स लगाएगा एक, ठीक है, इसको अगर लेफ्ट है तो इसको माइनस मान ले, और ये इस पे लगाएगा, ठीक है, ये इधर लगाएगा फोर्स, इसको अगर प्लस एफ मान ले। इजी होगा हमारे लिए कि एक चीज़ हम लोग सीख लें, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ सीखेंगे एफ वन टू एंड एफ टू वन। ये एफ वन टू एफ टू वन क्या है, तो फोर्स ऑन वन, ये क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन वन बाई टू, इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन वन बाई टू, जिसका पहले बात करें उसी का नाम लेंगे ना। तो ये जो है ये किस पे लगा रहा है, इसके द्वारा लगाया जा रहा है किस पे, वन पे, तो इसको लग देते हैं फोर्स बाय वन ऑन टू, फोर्स बाय सॉरी ये किस पे लग रहा है, इधर डायरेक्शन है ना, तो फोर्स ऑन वन बाई टू, ठीक है, और इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स बाय टू, सेकंड पे लग रहा है ना, बाय वन, ठीक है। अगेन ये इस पे फोर्स लगाया, ये जो M1 है वो इस पे लगाया है, तो उसको मैंने क्या लिखा है, फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू, दूसरे पे फोर्स लगाया किसके द्वारा, बाय वन, बाय वन फर्स्ट के द्वारा, और ये क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट, फर्स्ट पे फोर्स लगाया किसके द्वारा, सेकंड के द्वारा, ठीक है। ये दोनों लेकिन बराबर है, ओके। अब अगेन जब ये फोर्स इस पे लगाया, ये फोर्स इस पे लगाएगा, तो फोर्स लगने से एक्सेलरेशन होता है, यानी वेलोसिटी में चेंज होता है। तो ये तीसरा इंस्टेंस हम लोग देखते हैं कि अब जो बॉडी है ये जब दोनों टकराया, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, दोनों टकराया, तो क्या होगा, तो ये इधर इधर फोर्स लगाया है तो ये इधर मूव करने लगेगा, और ये इधर फोर्स लगाया है तो ये इधर मूव करने लगेगा। ये कोलिजन के पास का केस है, ये था पहले के कोलिजन के पहले का केस, जब टकराया नहीं था, ठीक है। ये कब का केस है, जब टकरा चुका है, ठीक है, एट कोलिजन, जब कोलिजन हुआ तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाए, अब आफ्टर कोलिजन भी ये दोनों कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगा, ठीक है। हो सकता है इधर भी मूव करने लगेगा, हो सकता है इधर, हम लोग सिंपल केस के लिए मान रहे हैं कि दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, नहीं तो डायरेक्शन का थोड़ा मोड़ा इधर हो जाएगा, और डायरेक्शन हो जाएगा तो आप जानते हैं वेक्टर है, और आपके पास वेक्टर का ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो दूसरा मैथमेटिकल लगाना पड़ेगा, इसलिए सिंपल केस रखने के लिए हम लोग ले रहे हैं। वैसे दोनों चीज ऐसे टकराया तो दोनों इधर जाता है, पर हम लोग सिंपल केस के लिए ले रहे हैं कि ऐसा ही फोर्स लगा कि दोनों फिर से धीरे धीरे अपना इसमें जाने लगा। अब ऑफकोर्स दोनों पे फोर्स लगाए तो दोनों का वेलोसिटी बदलेगा, तो मान लीजिए ये जो है ये वेलोसिटी, इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया वी वन, इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया वी टू। ये आफ्टर कोलिजन केस है, ये बिफोर कोलिजन का, ये एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, कोलिजन का। अब इसी चीज को मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ओके स्टूडेंट्स, वही जो मैं तब से बोल रहा था, मैंने आपके लिए लिख लिया कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, या दो बॉडी है जिनका मास M1 M2 है, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, यहाँ देखिए तो राइट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, या ईस्ट के डायरेक्शन में। कुछ इनिशियल वेलोसिटी है उनका U1 और U2, और इस तरह से कि इनिशियल वेलोसिटी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है इसका वो ज़्यादा है सेकेंड ऑब्जेक्ट का, ये सिंपल वर्ड में मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है। तब कुछ देर के बाद वो कोलाइड करेंगे, कोलाइड क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो U1 है वो ग्रेटर है, तो ऑफकोर्स ये आके टकराएगा। ये अगर पाँच था, ठीक है, तो ये दो ही है, तो पांच वाला ये ज़्यादा है तो ये आके टकराएगा ही इससे। तो कोलिजन पे फर्स्ट बॉडी कुछ फोर्स लगाया इस पर, तो फोर्स सेकंड पे लगाएगा, तो फोर्स ऑन सेकंड बाय वन, यानी एफ टू वन लगाएगा, या इसको एफ भी रख सकते हैं, आपको हैवी लग रहा है तो एफ कर दीजिए सीधा, ठीक है, एफ फोर्स लगाएगा सेकंड बॉडी पे, और इस रिस्पॉन्स में थर्ड लॉ के हिसाब से सेकंड बॉडी भी फोर्स लगाएगा एफ वन टू, या सिंपली इसको भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो उससे क्या होगा, एक्सेलरेशन, फोर्स के कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन, फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, तो दोनों पे एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का सिंपली मतलब है वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो फर्स्ट बॉडी, मान लीजिए फर्स्ट बॉडी वेलोसिटी जो है उसको मिला वी वन, और सेकंड बॉडी का मिला वी टू। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को वेरीफाई क्या करना है, हम लोग को वेरीफाई करना है कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा बॉडी का, ठीक है, मतलब कोलिजन से पहले, वो बराबर होगा किसके, फाइनल मोमेंटम के, यही तो हमको वेरीफाई करना है। अब देखते हैं ये हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है, इजीली हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, बाय यूज ऑफ मैथ, ठीक है। तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ठीक है, तो महान महान साइंटिस्ट भी बोले हुए हैं कि मैथमेटिक्स वो कार्ट है, वो व्हील है, ठीक है, मैथमेटिक्स वो व्हील है जिसपे फिजिक्स का कार्ट चलता है। कहने का मतलब जैसे आप बैलगाड़ी देखते हैं ना, तो बैलगाड़ी में व्हील लगा रहता है, तो वो व्हील को आप बोल सकते हैं मैथमेटिक्स है, जैसे फिजिक्स चलता है, अगर व्हील नहीं रहेगा तो क्या कार्ट चलेगा, बैलगाड़ी चलेगी नहीं। तो उसी तरह से फिजिक्स को चलने के लिए मैथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको सिंपल से हम लोग समझते हैं,
हम लोग पहले इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं बॉडी का। इनिशियल मोमेंटम तो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वन भी एम टू भी, तो इसमें वेक्टर होने से भी उसे दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो इस दोनों का सम जो है वो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का दे दे, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, पूरे सिस्टम का बात करें तो फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, ठीक है, प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, इस दोनों का सम कर देंगे और दोनों का इनिशियल वाला। तो पहला मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम हम लोग जानते हैं जो मोमेंटम जो होता है P, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी वो हो जाएगा बिफोर कोलिजन का बात कर रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम का बात कर रहे हैं, बिफोर इनिशियल मोमेंटम का मतलब बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद हमको लगेगा कि दोनों एक दूसरे पर अलग अलग फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है मोमेंटम बदल जाए, क्योंकि फोर्स लगने से वेलोसिटी बदलता है। पर आपको ध्यान रखना है थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है कि दोनों पे इक्वल फोर्स लगाए तो नहीं है, तो इसी को मैथमेटिकली दिखा रहा है। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, फर्स्ट बॉडी का मास कितना था एम वन, वेलोसिटी इनिशियल क्या था यू वन, तो इसका मास और वेलोसिटी का मल्टीपल यानी एम वन यू वन, ठीक है। उसी तरह से मोमेंटम सेकेंड बॉडी क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एम टू यू टू, क्योंकि इसका सेकंड का बॉडी का मास कितना है m2 और वेलोसिटी इनिशियल u2, ठीक है। तो सिस्टम का क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, सिस्टम मतलब ग्रुप का दोनों का, वो कितना हो जाएगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2। उसी तरह से हमको अगर फाइनल मोमेंटम निकालना है, मतलब फाइनल मोमेंटम का मतलब आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, तो कोलिजन का बाद अगर हमको निकालना है तो निकाल लेते हैं। कोलिजन के बाद बदला क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, इसका v1 हो गया m1 वाले का, इसका v2, तो और तो कुछ हुआ नहीं, तो नहीं, तो फर्स्ट बॉडी का, फर्स्ट बॉडी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी तो वो कितना हो जाएगा m1 v1, इसका वजह से v1 हो गया, एंड सेकेंड बॉडी, मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा m2 v2। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि इस दोनों का सम, अब इसका फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा, इसके सिस्टम का क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों सेम है। अब इसको कैसे करेंगे, तो याद देख रहे हैं मोमेंटम भी जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं फोर्स भी जुड़ा हुआ है, तो हम थर्ड लॉ को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है, जो फोर्स ऑन वन है यानी जिसको हम एफ वन टू बोले, और फोर्स ऑन सेकेंड बायो टू है, वो दोनों बराबर होगा और दोनों एक दूसरे का निगेटिव होगा, मतलब ऐसे, ठीक है। अब ये एफ वन टू क्या है, तो फोर्स ऑन वन है बाय टू, ये फोर्स किसके बराबर होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम सेकेंड लॉ के हिसाब से, बाय सेकेंड लॉ या फ्रॉम सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीपी में देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल पी से दिखाए, मोमेंटम को पी से दिखाए, डेल पी बाय डेल टी जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के। यही ना हम लोग निकाले थे, जैसे कि F इक्वल टू एम ए निकाले थे, ये तो निकालते हैं सेकंड में, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, सेकंड लॉ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये जो F12 है, इस F12 को क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ वन इंटू दो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ है, तो वेलोसिटी में चेंज आया है कि इसका वेलोसिटी था फर्स्ट बॉडी का बात करें, ये पे जो लगा है, तो वेलोसिटी में पहला बॉडी का चेंज क्या आया है, फोर्स ऑन वन की बात हो रही है, तो वन में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, तो वन का वेलोसिटी पहले था U1, बाद में हुआ U2, बाद में हुआ V1, तो चेंज कितना आया, तो फाइनल जो कि है V1 माइनस इनिशियल, यही तो था, पहले इसका क्या था फर्स्ट बॉडी का U1, वो बाद में क्या हो गया V1, तो यही है चेंज क्या आया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो V1 माइनस U1, और रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है तो नीचे टाइम, ये किसके बराबर हो जाएगा, निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड, सेकेंड का मास कितना था M2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आप सिंपली मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से है, सेकेंड लॉ, एक बार मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ अगर आप भूल गए तो, इसमें कितना चेंज आया है, V2 माइनस U2 बाय T, टाइम दोनों में सेम लगा है तो इसलिए मैं टाइम को अलग अलग नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए अगर आपको ये समझ में दिखा रहा है आ रहा है तो आप यहाँ समझिए, ये आया था क्या, आपको ये चीज़ तो याद है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम डेल पी यानी पी एफ माइनस पी आई इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, वो किसके बराबर होता था, फोर्स के। अब देखिए ये जो ए लिखा है ना, ये ए क्या होता था, यही ना चेंज इन मोमेंटम, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी, वी माइनस यू बाई टी, यही किसका फॉर्मूला, ए इक्वल टू क्या होता है वी माइनस यू बाई टी, ये आपको नहीं लिखना है इसमें, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है अगर आप सेकंड लॉ थोड़ा अगर भूल गए तो यहाँ से हमको ये मिला, आप टी से टी कैंसिल कर सकते हैं, टी तो दोनों एक ही तरफ है तो कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आया देखिए, अब यहाँ पे मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल अल्जेब्रा से, एम वन वी वन, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, माइनस एम वन यू वन, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एम टू वी टू, माइनस एम टू वी टू, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एम टू यू टू। देखिए अगर मैं इसको इधर ले आऊँ या
हाँ आसान रहेगा, M1 V1 और इसको इधर ले आओ, प्लस M2 V2, और इधर M2 U2 है ही, और इसको भी इधर ले आओ M1 U1। ये क्यों ले आया, क्योंकि देखिए इधर दोनों इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये इनिशियल मोमेंटम बता रहा है और ये फाइनल, तो आपको क्या मिला, यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था ना कि इनिशियल मोमेंटम यानी M1 U1 और फाइनल मोमेंटम यानी M1 V1 प्लस M2 V2 वो दोनों सेम है, और यहाँ से हमको क्या मिल गया, मिल गया वही चीज़ जो हमको चाहिए था, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों का सेम है, यही हमको चाहिए था और ये हमको मिल गया। यही जो एक्सप्रेशन है ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इतना आसान था। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक आप ये समझिए कि फाइनल मोमेंटम जो है बॉडी का इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, ठीक है, ओके, दोनों में कोई चेंज नहीं आया जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, यही इस पर एक्सटर्नल फोर्स आता, कोई तीसरा बॉडी आके इसको कोलाइड कर देता है यहाँ पे, तब इस पर बहुत प्रभाव पड़ जाता, तब ये लॉ गलत हो जाता, मतलब लॉ नहीं गलत होता, यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये हमारा सेम नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे एक तीसरे फोर्स का जो एंट्री हो जाता। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम लोग बुलेट से ही बहुत बार बात किए हैं तो इस बार बुलेट से ही क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, हॉरिजॉन्टली सिंपल रखने के लिए कि इसको रखा गया कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, फायर किया गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फिर से सिस्टम आने वाला है, सिस्टम में एक बुलेट होगा और एक गन होगा, ठीक है, या एक राइफल होगा, तो वो 150 मीटर पर सेकेंड से गया है एक पिस्टल से जिसका मास था 2 kg, तो पिस्टल का मास है 2 kg और जो बुलेट है उसका मास है 20 ग्राम। अब बताइए रिकॉयल वेलोसिटी क्या है, अगेन आपको रिकॉयल वेलोसिटी मैंने वैसे बताया हुआ फिर भी आप समझ लीजिए रिकॉयल वेलोसिटी क्या है, तो वो वेलोसिटी जिससे गन पीछे की तरफ जाए, गन पीछे की तरफ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि जो पिस्टल है, पिस्टल लगाया फोर्स किस पे, बुलेट पे, जैसे बुलेट आगे गया, अब बुलेट भी थर्ड लॉ के हिसाब से एक फोर्स लगाएगा पिस्टल पे, तो वही है रिकॉयल, उससे जो वेलोसिटी होगा वो कहलाएगा रिकॉयल वेलोसिटी, जैसा कि अभी कोलिजन में पढ़े थे, कोलिजन में तो यही था, कोलिजन मतलब ऐसा था ना हमेशा टकराया ही, यहाँ भी एक तरह का कोलिजन हो रहा है, कोलिजन मतलब ऐसा नहीं कि हमें दो आदमी आके टक्कर मारेगा ही, ठीक है, कोलिजन मतलब इंटरेक्शन, किसी दो चीज़ का इंटरेक्शन, कोलिजन सिंपली मीन्स इंटरेक्शन, मतलब दो चीज़ का मेल मिलाप, ठीक है, तो वेलोसिटी विथ विच गन, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल का बात करूँ, वेलोसिटी विथ विच द पिस्टल मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ मूव करता है, मूव्स बैकवर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ बुलेट, ड्यू टू फोर्स ऑफ बुलेट ऑन गन, फोर्स ऑफ बुलेट ऑन गन, ये सिंपल सा डिफिनेशन हो गया आपके पास, अगर ये नॉलेज नहीं है तो फिर भी चलिए, बुलेट ऑन गन। अब देखिए यहाँ पे गन का और बुलेट का इनिशियली वेलोसिटी क्या था, तो गन भी नहीं मूव कर रहा था और बुलेट भी नहीं मूव कर रहा था, तो इनिशियली अगर मान ले कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसका, तो बुलेट का, बी से शॉर्टकट में लिख देना बुलेट, वो भी जीरो था, और इनिशियल वेलोसिटी आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे आपके मन पे है, ठीक है, आप इसको लाइन में भी लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी और बुलेट इज जीरो, तो यहाँ पे यूबी का मैं दिखाया हूँ इनिशियल वेलोसिटी और बुलेट, आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके मन पे है, ये बड़ा बड़ा ये देखिए कोई कोई डरने लगता है तो वो डरने की जरूरत नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी और बुलेट, और अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी गन का बात करूँ तो वो भी यूजी भी क्या है, जीरो, क्योंकि बोथ आर एट रेस्ट, फायर करने से पहले वो दोनों किस में थे, रेस्ट में, तो अब जो वेलोसिटी ही नहीं है दोनों के पास तो इसका जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, कैसे, तो देख भी लेते हैं मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, वैसे भी अंडरस्टैंडिंग है पर मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, और यहाँ पे आपको कैसे पता कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ का बात हो रहा है और दोनों में देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का एक दूसरे से अलगाव हुआ है, ठीक है, दोनों एक दूसरे सेपरेट हुए हैं और दो सिस्टम का बात हो रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ लगना चाहिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसी से, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग अगर बात करें इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, गन का बात करें, मोमेंटम ऑफ यहाँ पिस्टल है तो यूपी कर लीजिए ऑफ पिस्टल, तो पिस्टल का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ पिस्टल, तो मास ऑफ पिस्टल क्या है एमपी मान लीजिए इनटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इनिशियल का बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका मास कितना है तो 2 kg, ये तो जीरो है तो जीरो हो गया, इसे ही इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेट का अगर बात करें आप सर्कल नहीं बना सकते, बुलेट का क्या हो जाएगा, तो बुलेट का हो गया मास कितना, तो मास हो गया और वेलोसिटी हो गया, तो मास तो है अगेन इसका 20 ग्राम, 20 ग्राम को यहाँ गलती नहीं करना आपको, 20 ग्राम को केजी में बदलना है, तो 20 ग्राम को केजी में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे इनटू जीरो, तो ये भी हो गया जीरो, ठीक है, ओके, ये तो इनिशियल मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का, यहाँ पे भी दो चीज़ है ना गन और बुलेट, तो सिस्टम हो गया। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम देखिए गन का, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन, तो यही तो आपको ये फाइनल मोमेंटम ऑफ गन का निकालने के लिए या पिस्टल का निकालने के लिए आपको इसका मास चाहिए, आपको वेलोसिटी, मास तो वही है 2 kg, वेलोसिटी आपको नहीं पता तो आप वी रहने दीजिए, ठीक है, वी रहने दीजिए वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, ठीक है, लेकिन फाइनल मोमेंटम आपका जो बुलेट है,
ठीक है, उस पर जो फोर्स लगेगा कौन, पिस्टल, ठीक है, उसके कारण उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ 20/1000 इसको केजी में बदलने के लिए इंटू इसका मास हुआ बुलेट का इंटू वेलोसिटी जो कि 150। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, 2 5 10, 5 3 15, ये कितना आ गया 3, और ये मोमेंटम की बात है तो केजी मीटर पर सेकंड, ये आपको आराम से यूनिट पता ही होगा। चलिए अब इस दोनों का सम हम लोग को फाइनल मोमेंटम सिस्टम का चाहिए, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम करने का मतलब गन और बुलेट एक साथ, तो वो कैसे निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा 3 केजी मीटर पर सेकंड प्लस इसका भी यानी 2 VP, लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड, ये और ये किसके बराबर होगा, 0 के, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल है, तो लिख देंगे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको इतना बड़ा नहीं करवाना है, आपको लगेगा ये बहुत एक पेज में हो गया, उससे मतलब नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम होने वाला है, तो वहां से जो इनिशियल मोमेंटम है 0 है वो किसके बराबर होगा, 3 मैन वर्ड में ही रखने देता हूँ, प्लस 2 VP, ये होगा, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या था सिस्टम का 0, और फाइनल मोमेंटम क्या है ये है। तो यहां से हम लोग को क्या निकल जाएगा, तो अगर 2 VP निकाले, 2 VP यानी वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, वो कितना हो जाएगा -3, तो VP जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड, और ये आसान था, माइनस क्यों आया आपके मन में होगा, क्योंकि हम गन का यहाँ पे वेलोसिटी प्लस मिली है, तो एक जो है वो इधर मूव करेगा तो दूसरा उसकी अपोजिट मूव करेगा, तो इससे ये आ गया हमारे पास क्या, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, और इसी को इक्वल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल VR भी बोल सकते हैं। नेगेटिव साइन यही दिखा रहा है कि डायरेक्शन पिस्टल का, पिस्टल अगर इधर गया, ठीक है, पिस्टल पीछे की तरफ मूव करता है और जो बुलेट है वो आगे की तरफ, तो यही दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, वही इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, और कोई बड़ी बात है नहीं। उसी तरह से हॉकी प्लेयर का है, या नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं यही लॉ लगा के। अब इस लॉ से कुछ एप्लीकेशन हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का एप्लीकेशन क्या है। तो अभी आप सेकेंड लॉ थर्ड लॉ में जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे थे वही इस पर भी लागू होता है, तो चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ एप्लीकेशन जो है कंजर्वेशन मोमेंटम का मेन दो है, जिससे आपका क्वेश्चन आता है और वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके आसपास में होता है तो जान लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम पे क्या क्या यूज है उसका पढ़ लेते हैं। वैसे तो अभी बहुत सारा डिस्कस किया है, वो टेस्ट ट्यूब वाला, हॉकी प्लेयर वाला, वो सब है, पर इसमें दो इंपॉर्टेंट है जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उनको चलिए पढ़ लेते हैं। पहला जो है वो है फ्लाइंग ऑफ जेट यानी एरोप्लेन जेट एंड रॉकेट। इसको मैंने थर्ड लॉ में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ समझिए, यहाँ आपको पता है इसको मोमेंटम कैसे इस पर लागू करेंगे। तो देखिए जो गैस होता है, मैं इसको बाद में लिख देता हूँ, पहले आप समझिए, गैस जो होता है वो निकलता है, हाइड्रोजन गैस मेनली रॉकेट सब में यूज होता है, तो वहाँ से बहुत स्पीड के साथ वो गैस निकलता है, उसका मास बहुत कम होता है, ऑफकोर्स जो मास है वो गैसेस का बहुत कम होता है, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है, मोमेंटम, मतलब वो जो मोमेंटम है गैस का वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से ये, अब ये मोमेंटम किधर की तरफ, पीछे की तरफ है, ये मोमेंटम जो इंपार्ट कर रहा है वो गैस जो रिलीज कर रहा है वो किधर है, पीछे की तरफ, तो इसके रिस्पांस में थर्ड लॉ के हिसाब से एक फोर्स लगेगा किधर, आगे की तरफ, और वही बैकवर्ड फोर्स जो है, वही बैकवर्ड फोर्स जो गैस लगाता है, और वही बैकवर्ड फोर्स का रिस्पॉन्स है कि रॉकेट या फ्लाइंग जो जेट है वो इतना उड़ पाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ अब, तो वही जो मैं तब से बोल रहा था उसको मैंने यहाँ वर्ड्स में लिख दिया है कि गैस भले ही बहुत कम अमाउंट में होते हैं, बहुत कम अमाउंट होते हैं, उनका मास भी बहुत कम होता है, हम लोग जानते हैं बहुत कम मास होता है गैस का, जैसे कितना मास ही होता है, बहुत कम अमाउंट भी होता है, ठीक है, रॉकेट के कंपेरिजन में एरोप्लेन कितना भारी होता है वो, कितना मास होता है उसका, कितना ज़्यादा अमाउंट रहता है, लेकिन ये जो गैसेज है जो निकलते हैं आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं, इतना हाई वेलोसिटी के साथ निकलता है, तो उनका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वेलोसिटी हाई होता है, इसके कारण अब वेलोसिटी ज़्यादा है, मास बहुत कम भी है, ठीक है, मास 1 ग्राम ही है, लेकिन वेलोसिटी अगर 2000 मीटर पर सेकंड हो गया तो आप समझ लीजिए इसका कितना बड़ा हो गया मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो इसलिए मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब मोमेंटम इतना पीछे की तरफ, इतना हाई स्पीड से आ रहा है, मोमेंटम इतना ज़्यादा है, मोमेंटम का नॉलेज आपको उसी ट्रक वाला एग्जांपल से होगा, तो मोमेंटम इतना ज़्यादा है तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, नहीं तो अंदर कितना जाएगा। इस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस दिस सिचुएशन एंड इक्वल मोमेंटम इज इंपार्टेड, उतना ही मोमेंटम जो है वो रिलीज किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, किसको, रॉकेट को या एरोप्लेन को, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि थर्ड लॉ अपोजिट डायरेक्शन में किया जाता है, उतना इक्वली, इसीलिए इतना बड़ा मास होने के कारण भी रॉकेट एरोप्लेन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर पाते हैं। आपको पहले लग रहा होगा अरे इतना कम मास है, इतना कम अमाउंट होता है तो कैसे मूव कर पाता है, पर ये कैसे हो पाता है, तो वो इतना वेलोसिटी जो है, हाई वेलोसिटी है जो रिलीजिंग गैस का, उसके कारण। सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो है फायरिंग ऑफ बुलेट, और इसको मैंने बहुत बार बता दिया है कि बुलेट को फायरिंग किया जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में पीछे की तरफ मोमेंटम इंपार्ट होता है, भले ही बुलेट का अगेन मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी उसका बहुत ज़्यादा है, और इससे हम लोग ऊपर क्वेश्चन भी किए हैं, तो फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम अ पिस्टल,
ठीक है, यही सब कुछ था, एप्लीकेशन था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे आप मोमेंटम और एप्लीकेशन कंजर्वेशन सब समझ गए हैं। ठीक है, इसी तरह से देखते रहे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।